हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू नबीलास प्लैनेट। आज का जो वीडियो है सारी मम्मीज़ के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत यूज़फुल होने वाला है। जिनको मम्मियों को हमेशा टेंशन होता है कि बच्चों को स्कूल में क्या गिफ्ट दे के भेजे बर्थडे पर, या अगर घर पर ही बर्थडे पार्टी है तो एज अ रिटर्न गिफ्ट हम क्या दें, तो यहाँ पर एक अच्छा सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। अंडर बजट में है 30-40 रुपीज़ में, और यहाँ पर हमें बच्चों के जो स्कूल में है 30 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं चीज़ें। तो वही हिसाब से मैंने पर चीज़ें जो है लाई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया आ जाए। अगर किसी का बर्थडे आ रहा हो बच्चे का, या स्कूल में देना होता है चॉकलेट वगैरह, चॉकलेट तो सभी देते हैं बट बस साथ में स्टेशनरी वगैरह कुछ दे दो तो बच्चे भी जो है स्कूल में सारे खुश हो जाते हैं। और अशास की भी स्कूल में जो है सब बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे, वो बता रहा था सबको बहुत पसंद आया था ये गुडीज़। तो इसके लिए जो है ना मैंने यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले ली है, कुछ स्टेशनरी में ले लिया है, क्रियॉन्स ले लिया है, सब अंडर बजट में है। जो 5 रुपीज़ वाले, 2 रुपीज़ वाले, 10 रुपीज़ वाले, ऐसी सब चीज़ें करके मैंने 30 रुपीज़ के अंदर ही जो है एक गुडी का पैक बनाया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें जो है मैंने ली थी। क्या यहाँ पर जो है अशास, देखिए अभी अपने लिए एक पहले बैग बनाएगा, उसने कहा कि मम्मा सबसे पहले मैं लूँगा। तो यहाँ पर जो आपको ये अभी ये जो ले रहा है ये है क्रेयॉन्स। तो हमने जो है होलसेल से लिया तो रेट और का वैसे ऐसे उस पर 10 रुपीज़ MRP है, बट हमको 8 रुपीज़ से मिल गया था। और ये है शार्पनर, शार्पनर भी जो है कार्टून बना हुआ था मैनियन वाला, तो वो भी अच्छा था, वो भी 4 रुपीज़ में मिल गया था। और ये थे और इरेजर्स, इस पर भी कैरेक्टर्स बने हुए थे पू वगैरह के, तो ये एक 3 रुपीज़ का था। और फिर इसके बाद जो है ये स्टेशनरी हो गया, मैंने इसमें जो है एक जेम्स का पैकेट डाल दिया चॉकलेट में, और ये जो रोल वाला चॉकलेट होता है एक वो था। और इसी के साथ में ना ये फ्री उस बॉक्स के साथ में आया था 1 रुपये वाले जो चॉकलेट्स होते हैं वो। और ये गुडी बैग मैंने ले लिया था 4 रुपीज़ का, एक वो पड़ा था ये रेड वाला। तो इस तरह से जो है बजट के अंदर जो है हमारा एक जो पैकेट रेडी हो गया था। यहाँ पर जो है हादी भी अपने लिए, पहले ये लोग ने कहा कि हम दोनों अपना लेंगे, मैंने ठीक है पहले आप लोग अपना ले लीजिए। तो यहाँ पर हादी भी अपना एक जो है गुडी बैग बना लेगा। और बाकी जो स्कूल में मैंने मतलब टोटल 30 स्कूल में 28 बच्चे हैं, अशास को मिला के हमने यहाँ पे कुछ 31-32 बैग्स बनाए थे। तो यहाँ पर वही हम सब एक साथ रेडी करके रख देंगे रात में ही, ताकि सुबह में स्कूल जब जाना रहे तो इजी हो, वो टाइम पर जो है रश ना करना पड़े, सब कुछ रेडी होता है तो टेंशन नहीं होता है ना। तो यहाँ पर वही मैं सब एक एक करके सारी चीज़ें ताकि कम ना पड़ जाए, काउंट भी साथ में करते जा रही थी। तो ये बहुत ही अच्छा, अगर आपको बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर आप इस तरह से करना चाहते हो, स्कूल में देना चाहते हो, बर्थडे अगर घर पे ही है एज अ रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बैग देखिए कितना सुंदर लग रहा है, क्यूट लग रहा है। बच्चों ने बोले काफ़ी खुश हो गए थे, उनको भी बहुत पसंद आया था ये। और यहाँ पर जो है ना मैं एक बड़े बैग में ही सब कुछ डाल कर रख दूँगी अशास को स्कूल देने के लिए। तो यहाँ पर एक बड़े बैग में मैंने सब डाल दिया, और जो एक चॉकलेट का जो एक बॉक्स है तो वो मैं अलग से दे दूंगी, स्कूल में जो दीदी वगैरह होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके लिए अलग से चॉकलेट्स वगैरह दे देंगे। तो ये मैं स्कूल में ही उसे भेज रही थी ये गुडीज़। और बर्थडे के लिए तो हम बाहर गए हुए थे पुणे, तो वहाँ पर ही सेलिब्रेट कर लिया था छोटा सा का। वो वीडियोज़ आपने देखी नहीं है तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो भी चेक कर लेना, हमने बर्थडे अशास की कैसे सेलिब्रेट की थी पुणे में, पूरा पूना ट्रिप 3 डे का वो व्लॉग है, वो भी आपको पसंद आएगा, वो भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ आप जो है मैं उसे स्कूल लेकर जा रही हूँ छोड़ने के लिए सुबह में, वो रात में मैंने जो है प्रिपरेशन कर लिया था, अब ये मॉर्निंग का टाइम है उसे छोड़ने, इसका स्कूल होता है मॉर्निंग 8:30, तो 8:15 तक हम निकल 8:15 तक निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं हैंड ओवर कर दूंगी बैग, यहाँ पर जो दीदी होते हैं वो लेकर जाएंगे उसके क्लासरूम तक, और फिर उनके साथ में ही बच्चे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और यहाँ पर जो है अब हम जा रहे हैं अशास को अब स्कूल से लेने के लिए, और 11:30 तक स्कूल छूट जाता है, तो मैं और हादी हम दोनों आ गए थे उसे लेने स्कूल में। और अशास भी बहुत खुश था, बहुत उसको बहुत एक्साइटेड था काफ़ी टाइम से, कि काफ़ी टाइम से जो है स्कूल में वो रोज़ लेकर आता था, मतलब कुछ हर हफ्ते 15 दिन में किसी ना किसी का बर्थडे होता था तो वो लेकर आए स्कूल से गिफ्ट जो भी मिलता था, अक्सर स्टेशनरी और यही मिलता है चॉकलेट्स वगैरह, तो बार बार पूछता था मम्मा मेरा बर्थडे कब आएगा कब आएगा, तो बड़ा एक्साइटेड था स्कूल में जो है ये गुडीज़ ले जाने के लिए, तो बहुत खुश था। यहाँ पर मैं उसके टीचर से बात कर रही थी,
और यहाँ पर जो है ना शास को मिल गया था स्कूल से भी एक गिफ्ट, उसके टीचर ने उसको दिया था, तो वो भी बहुत खुश था यहाँ पर। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों से जो है बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत जो है इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत मैटर करती है, वो इमोशनली अटैच होते हैं इन सब चीज़ों से। तो वो बहुत खुश हो गया था जब उसे स्कूल से ये गिफ्ट मिला, उसको एक बैग मिला था यहाँ पर। अच्छा डोंट ओपन लाइक दैट, ओके ये ओपन ना, ओके अच्छा यू हैव नाउ टू बैग्स सो फ्रॉम माय स्कूल, इट्स स्कूल नो, यस आई हैव अ टू बैग फ्रॉम माय स्कूल। आपको ये कैसा लगा बर्थडे गुडी का आइडिया, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मैं इसमें और क्या चीज़ें चेंज कर सकती थी या ये परफेक्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।